रायबरेली में सरयू क्षेत्र के गेवगासो से बड़ी खबर आ रही है, जहां कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। रायबरेली के गंगा घाटों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा में भारी पुलिस बल और गोताखोर तैनात व पुलिस प्रशासन सियोलालगंज सरयू थाना पुलिस व गेवगासो पुलिस मौके पर मौजूद है। गेवगासो गंगा घाट में लगभग 1,00,000 लोगों ने डुबकी लगाई है और डलमऊ गंगा घाट पर गंगा स्नान के साथ कार्तिक पूर्णिमा मेला भी अब शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें रायबरेली के सरयू क्षेत्र के गेवगासो घाट से है, जहां पर कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। सर, सुरक्षा व्यवस्था की क्या करें इंतजाम है? यहां पर सुरक्षा व्यवस्था के कई चक्र हैं, जैसे नाव में हमारी पुलिस लगी हुई है, गोताखोर लगे हुए हैं, मेला में हमारे प्राइवेट में भी और वर्दी में भी, मंदिर पर भी इसी तरह से लगे हुए हैं। ट्रैफिक की व्यवस्था में अलग लगे हुए हैं, रोड की व्यवस्था में अलग लगे हैं, हर जगह पर 7-54 व्यवस्था की गई है। लगभग 150 आदमी ड्यूटी में पुलिस के जवान लगे हैं। इसके साथ ही साथ राजस्व विभाग से हमारे SDM साहब, तहसीलदार साहब और राजस्व के विभाग के लेखपाल और कानून जो भी लगे हुए हैं, सभी लोग लगे हैं। मेला बढ़िया सुचारू रूप से चल रहा है।